गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और गोलू भी अच्छी है। आपका नाम क्या है गोलू? ईशानी। और घर में सब लोग इसे गोलू बुलाते हैं, है ना? और बहुत, देख सकते हो, बहुत क्यूट है और बहुत अच्छे से बातें करती है। बात करने का बहुत अच्छा तरीका है इसके अंदर, बहुत प्यार से बात करती है सबसे। और गोलू आप लोग से एक रेसिपी बताएगी, तो गोलू का रेसिपी आप लोग ट्राई करना और लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और गोलू को रेसिपी आप लोग सुनो। गोलू, टमाटर की चटनी कैसे बनती है? दो टमाटर ले लिए और ना उसको ना गैस पे रख दिए, फिर ना अगर ना थोड़ा थोड़ा काला हो जाएगा ना, अगर नहीं हुआ तो उसको रहने ही दीजिए, अगर हो गया तो ना उसको निकाल लीजिए, फिर ना उसको ना पानी में रहने दीजिए, फिर ना उसको ना किसी कोई भी चम्मच से उसको ऐसे कूद दीजिए, फिर ना नमक और तेल कुछ भी ऐसे ही डाल दे, हो जाएगा तैयार हो जाएगा। और कैसे बन के कैसा टेस्ट आता है गोलू? बहुत अच्छा टेस्ट आता है है ना? तो गाइज, मुझे गोलू ही रेसिपी बताई थी, मैं बनाई थी गोलू का रेसिपी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी इसका रेसिपी आप लोग ट्राई करना और गोलू को कमेंट करके बताना, है ना, कि गोलू बताई तो कैसा लगा, है ना? देख सकते हो कितनी छोटी है ये और ये रेसिपी बताती है, क्यूट क्यूट सी। आपको भी आता है पनीर कोई रेसिपी? और देखो गाइज, एक और से मिलवाती हूँ। हमको भिंडी का रेसिपी आता है। भिंडी का आता है? हाँ। तो आप बताना भिंडी कैसे बनती है। भिंडी को पहले थोड़ा सा पका दो, गैस पे रख दो, अगर जल गया तो उसको छील दो, तो उसको थोड़ा सा पानी ले लीजिए, कूट दो और उसको चम्मच से कूट दिए, इसको मिला, फिर बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, तो गाइज आप लोग इन लोग का रेसिपी जरूर ट्राई करना, है ना? आपका नाम क्या है, मैं भूल गई? परिधि। अच्छा, परिधि का भी रेसिपी आप लोग ट्राई करना और गोलू का भी रेसिपी ट्राई करना, है ना? ईशानी। अच्छा, ईशानी, सॉरी मैं भूल जाती हूँ गोलू। अच्छा, ईशानी नाम है इसका और इसका परिधि। आलू का बताती है। आलू का कैसे बनता है? आलू को पहले कूट दो, उसको पानी में डाल दो, नहीं पहले उसको छीला जाए, छील दो, उसमें पानी को डाल दो, उसको पका दो, थोड़ा सा कूट दो, उसको घोल दो, बस बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालो। वेरी गुड गाइस, आज मैं टाइम पास कर रही हूँ बातें करके। और कौन आज ट्यूशन क्यों नहीं गए? तो ये चुन्नू मुन्नू है, दोनों चुन्नू मुन्नू है, दोनों सिस्टर है। और गोलू कहाँ रहते हो? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएंगे, थोड़ा सीधा घूमे, फिर ना टेढ़ा घूमे, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर आपको वो गिल्ली दिखेगा, मेरा घर हो गया, आ गया। गाइस, गोलू का घर मेरे घर का पीछे है, मेरे घर का पीछे रहती है। अभी सौम्या दीदी को खोजने आई थी खेलने के लिए, सौम्या दीदी तो है नहीं, ट्यूशन गई है, के साथ मस्ती भरा हुआ मेरा रहेगा ब्लॉग। तो आप लोग मेरे को देख सकते हो, चुन्नू मुन्नू है दोनों। और दिखा लो, बंद कर दिया, बंद कर दिया, बैठी हुई है, अभी चाय बना कर दी है, चाय पी हूँ। चाय कैसा बनाई थी? तो परिधि है ना, तो हमसे इन लोग सब खेलते हैं, सबका टाइम पास होता है मेरे से, है ना?
आंटी भी हूँ और दादी भी, इन लोगों का फ्रेंड भी हूँ। फ्रेंड बनाओगी मुझे? हाँ। तो आज से इन लोगों को मैं फ्रेंड। अरे भाई यहाँ पर चली गई, यहाँ पर क्या हो गया आपका? वो तील है ना, ये हाँ? ये तील है और यहाँ पे चोट भी लग गई थी जब मैं गिरी थी ना। देख सकते हैं यहाँ रात का खाना का हो रहा है तैयारी। असोरेशन खा रहे हैं आम। तो सोनम क्या बना रही हो इसका? केले की भुजिया। केला का भुजिया कैसे बनता है? कैसे बनता है केले का भुजिया? तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हरा केला आया है। और सोनम कैसे बनता है इसका भुजिया बताओ गाइस लोग को? रोड ऑफ चल लो खाने। तो ये केला को छील लेगी, सारा केला छील लेगी और उसको गोल गोल चॉप करेगी। और चॉप करने के बाद आगे का प्रोग्रेस आप लोग को दिखाती हूँ, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहना। तो देख सकते हो कितने मस्ती से छील रही हैं। तो गाइस देख सकते हैं केला फाइनली चॉप हो चुकी है, तो पतली पतली और गोल शेप में कट की हुई से। और चलिए अब बनाती हूँ भुजिया, तो दिखाऊंगी आप लोग को। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ रखी है, कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसमें डलेगी सोनम क्या? ऑयल डलेगी और सूखा मिर्च। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आप लोग को केला की भुजिया। और कान से तो बहरी की तरह बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे गूंज रहा है, मेढक चल रहा है मेरे कान में, टर 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 टर। आज मैं गई भी थी खाने तो भाई यहाँ का फीस है 1000 रुपीज़ फीस है। और उसके बाद पता नहीं वो एक सरे वगैरह लिखेंगे या क्या करेंगे और दवा देंगे सो अलग। तो बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगा, बट दिखाऊंगी ही क्योंकि कान ऐसा चीज़ है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया कल के डेट में तो फिर बहरी के तरह करते रहेंगे जैसे सोनम करती है। कुछ भी बोले सोनम ऐसे था आए दीदी, तो वही मुझे करना पड़ेगा गाइस। तो मैं बहरी नहीं बनना चाहती हूँ, जब तक जी जिंदा हूँ तब तक जी लूँ अच्छे खासे। ये तो 100% बहरी है, अभी हूँ ना, पहले तो नहीं हूँ ना, अभी तो कान में प्रॉब्लम है तो बहरी ही हूँ ही है ना गाइस? नहीं गाइस, मैं कान से बहरी नहीं हूँ, बस दीदी को हंसाने के लिए ऐसे करती हूँ। आई तो दीदी के लिए मैं करती हूँ। डालो तो तेल डालो, कितना डालोगी भाई? देख सकते हैं तेल गरम हो गई है, इसमें लाल मिर्च डल गई है और लाल मिर्च चटक जाएगी तो इसमें कटे हुए केला डाल देंगे। तो भाई देख सकते हैं केला डल गई है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही है। हाँ थोड़ा कम गाइस, देख सकते हैं थोड़ा सा फ्राई हो गया है तो इसमें नमक ऐड कर रही है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, कम या ज़्यादा। और हल्दी ऐड होगा अब, तो गाइस देख सकते हैं हल्दी ऐड कर दी है। और ये थोड़ा सा मसाला है जो सरसों लहसुन का पेस्ट बना हुआ है, तो सरसों लहसुन का पेस्ट डालने से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आती है, तो बस यही ऐड करेगी
और जब तक रेड ना हो जाए भुजिया तब तक फ्राई कर देना है, बन जाएगी झटपट। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली भुजिया भुंज गई है। तो इस तरीके से बिल्कुल इसको रेड करना है, थोड़ा क्रिस्पी, और बहुत ही टेस्टी लगती है, सिंपल एंड टेस्टी। तो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यही है आज मेरा नाइट का डिनर और भुंजिया रोटी। और यहाँ देख सकते हैं अभी इसका सीजन चल रहा है आम का, तो आम आया था बेचने तो मैं आम भी ली थी। और इस गर्मी में देख सकते हो खाना बनाना कितना मुश्किल है। मैं रोटी भी साथ के साथ बना ली हूँ, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।